कैद करके रखा हुआ है और परेशानियां आती हैं बहुत ज्यादा, मुसीबतें आती हैं। परिंदों शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ, तुम्हारा साबुन का डोला डाल दे, पता नहीं वीडियो बना रही हूँ, स्टोरी सुना रही हूँ क्यों तो ना क्या मैं स्टोरी सुना रही थी आपको। हाँ मम्मा जी किसकी वीडियो बना रही है? गाइज़ से वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और आज का सीन क्या है कि आज अभी तो मैं करने लगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या है, साग विद पराठा और माई फेवरेट। किस किस को ये साग पराठा पसंद है वो नीचे कमेंट में बताएगा। उसके बाद अभी जाना है नागरा ऑफिस, बस 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 मेरा आईडी कार्ड बनवाना है, मतलब शादीशुदा का आईडी कार्ड अप्लाई करना है। पहले बना हुआ है लेकिन शादीशुदा का नहीं बना हुआ था, मैरिड का, वो आईडी कार्ड न्यू बनवाना है। उसके बाद फिर कोई मतलब मेरा जो ज़ख्म है देखें काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। यश 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 आपने भी वीडियो बनवानी थी, चलो बनाओ। व्हाट व्हाट आर यू सेइंग? यस ओके। तो ये देखिए ज़ख्म काफ़ी बेहतर है, मतलब दर्द तो इसमें काफ़ी है लेकिन ना ये देखें ये ना अब काफ़ी ठीक हो गया है, दर्द इसमें काफ़ी है। पेन किलर कोई वगैरह लूँगी और मौसम बहुत प्यारा है देखें। हवाएँ शवाएँ चल रही हैं और काफ़ी अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा और हल्की हल्की हो भी रही है सुबह से और ठंडक ठंडक हुई भी है। बस दुआ करेंगे धूप ना निकले, लगता है कि हल्की हल्की धूप निकलने लगी है। तो चले आप लोगों को साथ लेके चलते हैं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और मिलते हैं आपको नादरा ऑफिस और वहाँ का आपका फ्यू इंचेस लेटर। पराठा सीम ने खा लिया, इतना सा ठीक है, मेरा इंतज़ार भी नहीं किया आज। और साग ये भी यहाँ से इन्होंने इतना सा खा लिया, ठीक है, ये सीम ने पराठा खा लिया। और ये पराठे मैंने बनाए हैं, ये भी ऐसा ही गोल था, ये वाला ऊपर वाला भी। मुझे प्यारे पराठे बनाने आते हैं मेरा। 15 मिनट्स लेटर जी, तो ये हमारा नादरा ऑफिस और हम पहुंच गए नाश्ता करने के बाद इधर। और मम्मा साथ है मोहम्मद, रश देखे कितना, इतना लंबी लाइन है औरतों की भी और आदमियों की भी, इतनी लंबी लाइन है और टोकन के लिए लाइन है और टोकन वो दे ही नहीं रहे, कह रहे हैं अंदर रश बहुत ज़्यादा है, अंदर रश खत्म होगा तो बाहर टोकन देना शुरू करेंगे। और टोटली दलालत प्रोग्राम में दवा करें काम आ जाए और मेरे यहाँ से जान छूट जाए। मैं तो खड़ी हो के थक गई हूँ इतनी ज़्यादा देर, घंटे दो हो गए मुझे इधर खड़े हुए लेकिन बारी ही नहीं आ रही है, पता नहीं जाने क्या बनेगा हमारे इस मुल्क का। इतना आम को जलील करते हैं ना कि बस आपकी सोच होगी, बस जलील होते रहो। चलें घर जाके मिलती हूँ। आज मैं करती हूँ ये पीछे मोहम्मद धमाके कर रहे हैं। मैं अपने काफ़ी साल पहले बर्थडे पे गिफ्ट किए थे तो वो ना अब ब्रीड भी नहीं कर रहे थे और मरना शुरू हो गए थे, आगे फिर सर्दियाँ आ रही हैं तो मुझे ही था मर जाएंगे, तो इसलिए मैं उनको सेल करने लगी। और मेन रीज़न जो सेल करने की मम्मी अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ, हुआ क्या था कि ना दो पैरेट सीम ने मुझे ना एक पेयर गिफ्ट किया था उनका, काफ़ी साल पहले, मतलब कोई 6-7 साल पहले गिफ्ट किया था। तो उन्होंने ब्रीडिंग की, ब्रीडिंग करके वो 12 हो गए थे। अब 12 में से जो इस टाइम है हमारे पास रह गए थे, मेरे पास इस टाइम थे कोई 6 रह गए हैं, कुछ उड़ गए, कुछ की डेथ होगी सर्दी में, कोई एक दो हर सर्दियों में ना मतलब मर जाता था। तो अब ये रह गए थे हमारे पास 6, तो कोई औरत आई यहाँ मेरी अम्मी के घर, मेरे भाई थे ना दांतों का अपना ट्रीटमेंट करवाने, वो जो औरत आई ना तो वो कह के चली गई कि ये परिंदे हैं, कैद करने की चीज़ नहीं है, इनको आज़ाद छोड़ना चाहिए, तो आप लोगों ने इन्हें कैद करके रखा हुआ है और परेशानियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा, मुसीबतें आती हैं परिंदों के। हालांकि मैंने अपनी अम्मा को समझाया भी है कि ये मतलब खुले आज़ाद फ़ज़ा में फिरने वाले परिंदे नहीं, अगर इनको बाहर छोड़ेंगे तो मतलब दूसरे जो जानवर जैसे क्रो वगैरह वो इनको नुकसान पहुँचाएंगे। तो अब मेरी अम्मा को कौन समझाए कि मतलब ये नहीं आज़ाद फिरने वाले हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। बस वो जो लेडी आई वो इस तरह से कह के चली गई कि इनको आपने क्यों कैद करा हुआ है, इनको छोड़ दें, इनको आज़ाद कर दें। तो इसीलिए मेरी अम्मा मेरी पीछे लगी हुई थी बैठी, मेरी बातें सुन रही हैं कि इनको बेच दो बेच दो बेच दो, क्यों इन्हें रखा हुआ इन्हें बेच दो। तो अब इसलिए फाइनली आज कोई 6-7 महीने मेरी अम्मा की मैंने रंग लिया। यश माँ की जान, यश यश यश, तो वो भी पकड़ के मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ, तुम्हारा साबुन का डोला डाल दे, पता नहीं वीडियो बना रही हूँ, स्टोरी सुना रही हूँ क्यों तो ना क्या मैं स्टोरी सुना रही थी आपको। हाँ तो ना फिर वो आज वो बिकने लगे, अभी मैं उनको पकड़ती हूँ और पकड़ के आप लोगों को दिखाती हूँ, बड़ी मेहनत से।
बड़ी मेरे लग रही है कोई उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। हसीन ने मुझे कहा अगर पकड़ के दे दोगी ना तो मैं सेल कराऊंगा, मतलब दे आऊंगा किसी को, तो इसलिए मैं उनको पकड़ती हूँ, खुद ही पकड़ूंगी और आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूंगी। ये तोते हैं मेरे, ठीक है, और अल्लाह हाफिज कर जाली ना लग रही ये ना इस वाले घर के ना इतनी बाकी सारे डांस करके उड़ रहे हैं ना, वो इस घर के अंदर ऐसे नहीं उड़ता। काम हो गया खत्म, साड़ी मैंने ली पता है हमने ली। तो मेरे जो तोते थे वो सेल हो गए हैं, मतलब एक आना था कह रहे हैं उसकी दोनों आंखें खराब थी, लेकिन मुझे लगता है कि एक खराब थी, मैंने लास्ट टाइम देखा था पता नहीं कैसे खराब हुई थी, एक उसकी आंख खराब थी लेकिन वो कह रहे हैं कि वो दोनों ही खराब थी। खैर दोनों होंगी होंगी पता नहीं, मतलब उसको दिखता नहीं था आंखों से, और एक जो था ना उसके पैर पे चोट लगी हुई थी, मतलब उसका एक पंजा ही नहीं था, मतलब एक उंगली थी शायद बाकी दो उंगलियां नहीं थी, और उसकी स्टोरी मुझे पता है, मैं आपको सुनाती हूँ। जब वो छोटा 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 सा निकला था ना बाजू, मैंने इधर रख लिया मैंने बाजू तक, जब वो निकला था ना अंडे में से चूजा मतलब उसका बच्चा, तो ना उस ये जो तिनके लेके जाते हैं ना घोंसले में, उसके साथ ना शायद वो डोर वगैरह कोई लेके चले गए, तो जिस डोर की वजह से ना वो उसके पैरों में स्टक हो गई थी, बाकी जो उसके साथ दो तीन उसके बहन भाई निकले थे वो तो घोंसले में से बाहर आ गए थे कुछ में, लेकिन वो अंदर ही स्टक हुआ हुआ था। तो फिर ऐसे एक दिन मेरी अम्मा ने मतलब चेक किया कि क्यों नहीं बाहर आ रहा, अंदर ही क्यों बोलता रहता, देखा तो उसके डोर फंसी हुई, फिर काफ़ी ज़्यादा उसका पैर जख्मी और डैमेज हुआ हुआ था, उसको खैर डोर हटा के उसके पैर से डोर वगैरह खोल के उसको बाहर तो निकाल दिया था, लेकिन ना उसके बाद उसका पैर जो था ना उसका फिर उसके बाद जो पैर था ना वो ख़राब हो गया था, मतलब एक ही वो अजीब सा उसका ना जैसे सिर्फ ये वाला हिस्सा मतलब ऐसे ऐसे उसका हुआ हुआ था, वैसे ही रख के उसको यूज़ करता था और वैसे ही चलता फिरता था, मुझे स्टोरी याद है। अब तो खैर पूरा जवान हो गया था, बड़ा तोता बन गया था, जब वो निकला था मैं तब की आपको स्टोरी बता रही हूँ। हाँ अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आप लोग करते ही नहीं हैं वैसे ही देखते रहते हैं, और वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़।